महंगाई की मार लगातार जो है लोगों को झेलनी पड़ रही है। इस बार जो नींबू है वो लोगों को परेशान करने के लिए तैयार है। आप देख सकते हैं कि ये जो ठेले पे आपको नींबू दिखाई दे रहा है, मौजूदा वक्त में 200 से 250 रुपए किलो जो है नींबू की कीमत हो गई है। यानी आप समझ सकते हैं कि जैसे जैसे गर्मी बढ़ी है और गर्मी बढ़ते ही नींबू की जो डिमांड है वो बढ़ जाती है, तो ऐसे में नींबू के जो दाम है वो काफ़ी उछाल मार रहे हैं। 200 से 250 रुपए किलो नींबू पहुँच चुका है। यहाँ पे लोग हैं वो नींबू ले रहे हैं, मुझसे खुद पूछते हैं कि आखिर वो क्या सोचते हैं। भाई साहब, नींबू जिस तरह महंगा हुआ है कितना फ़र्क पड़ रहा है, क्योंकि गर्मी में जो है इसका इजाफा ज़्यादा बढ़ जाता है, इसकी खपत ज़्यादा बढ़ जाती है। नींबू ठंडा है और अक्सर आदमी गर्मियों में इस चीज़ को यूज़ करता है, और फिर अब जैसे ये नवरात्र है या त्यौहार है, रमज़ान है, इसमें अनगिनत मतलब आदमी जो है नींबू वगैरह यूज़ करता है, तो ये ठंडे के लिए ठंडा उससे मिल जाए इसलिए जो है यूज़ करता है आदमी। तो जो 200 रुपए किलो 250 रुपए किलो में नींबू जो है पहुंच गया है, क्या आपको लग रहा है कि जेब पे आपके जो है काफ़ी फ़र्क पड़ रहा है? तो मेरी जेब पे क्या यार, ये तो मोदी की भी जेब पे फ़र्क पड़ रहा होगा भाई मेरे। मोदी साहब, योगी साहब, जो भी अगर वो चाहे तो ये 500 रुपए किलो बिकवाएं, ये तो उनकी मर्ज़ी है, हम आप क्या कर सकते हैं, कटौती करनी पड़ रही है। पहले किलो लेते आते होंगे आप, आज की डेट में क्या स्थिति है भाई? आज तो ये मतलब जितनी ज़रूरत है उतनी आदमी ले रहा है। पहले ये था मतलब दो रुपए की ज़रूरत है तो आदमी 4 रुपए लेके 2 दिन के लिए एक्स्ट्रा रख देता था। अब ये भैया जो ज़रूरत है वही ले लो भाई, आदमी क्या करेगा। बिल्कुल, आप समझिए कि जो है नींबू की जिस तरह की खपत जो है बढ़ती है गर्मी में, उसी तरह जो इसके दाम हैं लगातार उछाल मार रहे हैं। मेरे साथ जो दुकानदार हैं वो भी मौजूद, हमसे बात करेंगे। भैया, नींबू के दाम जो है काफ़ी चढ़ गए, क्या कहेंगे जी? सर, बहुत दिन से इधर रेट बढ़ता ही चला है। पहले 700 रुपये पसेरी था, अब इस टाइम 1000 रुपये के आसपास मंडी में पसेरी मिल रहा है, तो उसी रेट हम लोग बेचे हैं। कभी 60 रुपये, कभी 50 रुपये पाओ, इसी हिसाब से रोज के दुकानदारी पे भी फ़र्क पड़ता है जो महंगाई बढ़ी। बहुत फ़र्क पड़ा है, पहले बिक जाता था वहाँ कम से कम 30-35 किलो पर डे, अब जाके भाई 15-16 किलो ही निकल पा रहा है, बस इससे ज़्यादा नहीं हो रही खपत। सर, तो आपके परिवार पे आपके खर्चे भी पड़ रहा होगा? जी हाँ, पहले ज़्यादा बचत होती है, अब कम बचत हो रही है महंगाई के कारण। अच्छा, गर्मी में नींबू की ज़्यादा खपत बढ़ जाती है, लोग इसका जूस भी पीते हैं, तमाम तरीके के से उपाय करते हैं ताकि वो गर्मी से बच सके, तो इसकी खपत बढ़ने के साथ जिस तरह महंगाई बढ़ रही है, तो क्या लगता है कि आने वाले वक्त में कुछ उम्मीद है कि डाउन होंगे दाम? जी सर, थोड़ा उम्मीद लग रही है, कुछ रेट हल्का हल्का कम होने की उम्मीद है, और फिलहाल नवरात और ये मुहर्रम एक साथ है इसीलिए रेट बढ़ा हुआ है इसका। तो बिल्कुल, नींबू के दामों में जिस तरह से उछाल आया है उससे लगातार जो तमाम जो दुकानदार हैं उनकी दुकानदारी पे भी फ़र्क पड़ा है। जो दुकानदार जो है 1 किलो नींबू लेकर के जाते थे वो आज की डेट में पाव भर पे आ गए हैं, यानी कहीं ना कहीं जो इनकी सेल है उस पर भी असर दिखाई दे रहा है। हालांकि इसके पीछे जो वजह है वो ये भी मानी जा रही है कि रमज़ान है, नवरात्र है, तमाम त्यौहार चल रहे हैं, वैसे में नींबू की खपत बढ़ जाती है, तो लिहाजा जो दाम जो है बढ़े हैं शायद यही वजह है। बहरहाल, अब देखना होगा कि नींबू के दाम जिस तरह से बढ़े हुए हैं आखिर इनमें कब जो है गिरावट दिखाई देती है, तो क्योंकि जो लोग ले रहे हैं उनके लिए भी कहीं ना कहीं मुश्किल है। लोगों का यही कहना है कि जिस तरह वो नींबू गर्मी में इस्तेमाल करते थे अब वो उस तरह इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। किचन से लेके सलाद से लेके हर चीज़ में नींबू का इस्तेमाल होता है, लेकिन महंगाई और महंगा नींबू होने के चलते कहीं ना कहीं अब उनको कटौती करनी पड़ रही है। कैमरा पर्सन पीयूष साथ, अनुपमा, भारत समाचार, लखनऊ।